हेलो, सलाम वालेकुम जी। हाँ वालेकुम सलाम जी। मैंने आपके बारे में एक सवाल पूछना था, तो ये वही है ना, हमने यूट्यूब से नंबर लिया, वही नंबर इदारा है। जी, मेरा बेटा कहाँ से बोल रही है? मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। जी, मेरा बिट्टू, ये अदारा नहीं है, आप पूछें, मैं डॉक्टर अच्छा, अशरफ साहब ज़्यादा बोल रहा हूँ, कोई मसला हो तो हाँ आप फिर पूछें। आपकी आपकी ही वीडियो देखी थी फिर मैंने ना, वो उसमें से चेक किया है। जी मेरा बेटा, क्या आप पूछें, क्या पूछना चाहती हैं? अच्छा, हम लोग भैंस लेके आए हैं, तो उसका ना सींग उसके सामने चुभ रहा था, तो वो मेरे भाई ने काटा है उसका, लेकिन वो कोई पता नहीं कोई मेडिसिन वगैरह लगाते हैं क्या, उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो अब कुछ 1-1.5 महीने के बाद ना उसके अंदर जख्म बन गया उसके सींग में, और उसके अंदर रेशा पड़ गया और वो कीड़े से निकल गया उसके अंदर। तो उसका ओए क्या हो, हल है? मेरा बेटा, फौरन फौरन लिखें। रोटी फिर बना लें तो ये प्रोग्राम में अपलोड कर देता हूँ, तो जितने में आपकी रोटी बनेगी इतने में मैं कोशिश करूँगा कि इसको अपलोड कर दूँ, ठीक है? ये एक हाँ ठीक है ठीक है टेराजन नहीं है, ठीक लेकिन अफसोस मुझे ये हो रहा है, मेरा बेटा आपने प्रोग्राम देखा नहीं है, ना कोई देखा है ना कुछ, तो आप जब भी मेरे साथ बात करें आप कागज कलम अपने पास रखें, अगर आपका मसला है। ठीक है ठीक है ठीक एक टेराजेन प्लस स्प्रे मिलता है, है। किस बारे में चलें बताया आप रोटी पका लें, मैं लिख के फिर अपलोड कर देता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल। हाँ नहीं मेरा बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम से आपसे रोटी रोटियां पकाएं, और ये प्रोग्राम जब देखेंगी ना तो ये सियालकोट लिखा होगा, सियालकोट, भैंस का सींग टूटा और कीड़े इलाज, ठीक है? ये मैं लिख दूंगा, तो मेरा बिट्टू आप उसको देख के दो टेराजन प्लस का जो मैं जो जो मैं कहूँगा लिखा होगा, अगर एक नहीं चीज़ मिलती तो दूसरी मिल जाएगी, वो स्प्रे कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें से सारे कीड़े भी ठीक हो जाएंगे और उसका जख्म भी मुंतमिल हो जाएगा, ठीक है? हाँ मेरा बेटा, वो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आप रोटी पकाएं पहले, वो ज़्यादा ज़रूरी है, रोटी जल ना जाए, क्योंकि इस तरह मैं, क्योंकि मेरा बेटा आप यू आर नॉट आई मीन मेरा बेटा, आपको ज़रा थोड़ा सा अगर बुरा ना मनाए मैं अभी कर देता हूँ अपलोड, आप रोटी ना आपकी जल जाए, आप देखें प्लीज़। ये ऑक्सीकॉट स्प्रे मेरा बेटा, एक टेराजेन स्प्रे, टेराजेन प्लस एक ये स्प्रे मिल जाता है, और इसी तरह आपको एक CTC स्प्रे मिलता है, इन दोनों में से मिल जाए, या फिर ऑक्सीकॉट स्प्रे ले लें, ये भी ज़बरदस्त है चीज़, इसमें सब में एक ही है, यानी कि इसके अंदर ये समझ लें कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लीन होती है और हाइड्रोकॉर्टिजोन एसीटेट है, और ये दोनों बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इससे इंशाल्लाह ताला ये सींग भी ठीक हो जाएगा, पहले तो कीड़े सारे वो निकल जाएंगे, मर जाएंगे, और ये करते रहना है, सुबह दोपहर शाम आप स्प्रे करती रहेंगी, तो इंशाल्लाह ताला जितनी भी उसके अंदर इन्फ्लेमेशन या कोई और होगी और वो भी ठीक हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे जितने पैथोजेंस या दवाई वो नुकसान देने वाले एजेंट्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, और दुआ भी करूँगा ये आप ले लें, और एक ये 150 ml की एरोसोल स्प्रे कंटेनर होता है, ये मिल जाता है, स्प्रे करें और थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख के आपने स्प्रे करना है, ये एक दफ़ा, ये जब भी स्प्रे करेंगे ना आपको 8-10 इंच थोड़ा दूर रख के तो स्प्रे करते जाएं, स्प्रे सुबह दोपहर शाम ये करेंगे इंशाल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला फजल करेगा और ये ठीक हो जाएगा, दुआ भी करूँगा, लेकिन ट्वाइस ए डे तो ज़रूरी है, दिन को
दो दफा आपने स्प्रे करना है, सुबह शाम कर दिया करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ठीक है मेरा बेटू, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपको रोटियां खूब पकाएं और बच्चों का और घर वालों का ख्याल रखें। और जब भी मुझे फोन करें तो प्लीज कागज कलम रख के तो लिख लिया करें, कोई बात नहीं मेरा बेटू। और आप ये अभी मैं अपलोड कर देता हूँ तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।